गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज की जो मेरी रेमेडी है स्पेशल होने वाली है, क्योंकि जिनके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, पुराने से पुराने जिद्दी से जिद्दी दाग धब्बों को ये रेमेडी दूर कर देगी। साथ ही अगर आपके पिंपल्स निकलते हैं या पिंपल्स के निशान हैं तो उन्हें भी ये रिमूव करने में हेल्प करेगी। एक्ने के निशान, पिंपल के निशान, ये आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अगर आपके जले या कटे का निशान है तो वो भी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओनली 7 डेज में आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक होने वाली है। आपके जो निशान है वो फेड हो जाएंगे ओनली 7 डेज में। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आपके पिंपल्स या जले कटे के निशान हैं। तो गाइज, इसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं बहुत ही इजी हैं, इजीली आप इसे घर में बना सकते हैं। केवल 2 इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होंगे और इसे लगाना भी बहुत ज़्यादा इजी है। केवल 7 दिन आप इसे लगाइए। मेरे कहने से आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी और भी यूज़फुल सी वीडियो आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो बाद में लाइक शेयर भी। तो गाइज, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो हमारा जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है, मेन इंग्रेडिएंट है, वो है ये कपूर। कपूर का नाम आपने सुना ही होगा। कपूर का इस्तेमाल पहले बहुत किया जाता था और अब भी किया जाता है, पूजा वगैरह में कपूर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले हमारी स्किन के दाग धब्बों को दूर करने के लिए कपूर का इस्तेमाल करते थे। तो हम यहाँ ये कपूर ले लेंगे, ये आपको इजीली मिल जाएगा मार्केट से। तो इसके ये मैंने देखे 2 पीसेस ले लिए हैं। इन्हें हम क्या करेंगे, पहले पीस लेंगे। देखिए, इस तरह से इसका पाउडर बना लेंगे। ये इसका पाउडर बन गया है। अब इन्हें हम एक बोल में निकाल लेंगे। देखिए, ये हमारा पाउडर बन गया है। अब इसके बाद जो हमारी सेकंड चीज है वो है कोकोनट ऑयल। आप कोई सा भी ले सकते हैं, या मैं पैराशूट का ले रही हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हैं जो भी आप यूज़ करते होंगे। तो कोकोनट ऑयल की हमें 1 बड़ा चम्मच ले लिया है। 1 टेबल स्पून हम कोकोनट ऑयल ले लेंगे और इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, यहाँ मैंने ये अच्छे से मिक्स कर लिया है। आपको एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है, अगर आप कोकोनट ऑयल 1 स्पून ले रहे हैं तो 1/2 स्पून ही आपको ये कपूर लेना है। तो इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं आपको इसके लगाने का तरीका बताती हूँ। कपूर में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे स्किन के दाग धब्बों को, पिम्पल्स को, एक्ने को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस तरह हम कॉटन ले लेंगे और जिस जगह भी आपके पिंपल्स हैं, पिंपल्स के निशान हैं या जले कटे के निशान हैं, उस जगह पर कॉटन को इस तरह से हम डिप करेंगे पहले और इस तरह से उस पर लगा लेंगे। आपको ज़्यादा प्रेशर से नहीं लगाना है, हल्के हल्के इस तरह से लगाना है। 7 दिनों तक आप इस तरह से लगाइए, डेली लगाइए, तो आपके पिंपल्स की, एक्ने की या निशान जो भी हैं आपके जले के, कटे के या फिर पिंपल्स के दाग धब्बे हैं, वो भी आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो भी आपके चेहरे पर मार्क्स हैं या आपके किसी भी जगह बॉडी पार्ट में मार्क्स हैं, तो उस पर भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपके जो निशान हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसे लगा लेंगे। 2-3 बार आप इस तरह से लगाइए। आपको लगाने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है, जिससे कि अगर आपने मेकअप किया हुआ है तो वो रिमूव हो जाए, या जो भी आपके चेहरे पर डस्ट होगी वो रिमूव हो जाएगी। जो भी आप फेस वॉश यूज़ करते हैं उससे पहले आप अच्छे से अपने चेहरे को धो लें, उसके बाद ही इसे अप्लाई करें इस तरह से। ये आप किसी भी टाइम कर सकते हैं आपको, लेकिन 1 दिन में 1 बार ज़रूर करना है। 7 दिनों तक, 7 डेज तक आप इसे रेगुलर यूज़ करिए, उसके बाद आपको फ़र्क खुद ही नज़र आ जाएगा।
तो इस तरह से लगाने के बाद हम इसे सूखने के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और जब ये सूख जाएगा उसके बाद हम नॉर्मल वाटर से इसे वॉश कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके 7 दिनों में चेहरे के दाग धब्बे, पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम सब दूर हो जाएंगी। और अगर आपके कहीं भी जले का निशान है या आपकी स्किन कट गई है उसका निशान है तो वो भी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 7 डेज के बाद आपको इसे वीक में 3 टाइम्स लगाना है। 7 डेज तक तो आप रेगुलर यूज़ करिए, आपको फ़र्क खुद ही नज़र आ जाएगा। उसके बाद आपको इसे वीक में 3 टाइम्स लगाना है। इसे अगर आपके पुराने भी धब्बे होंगे वो भी आपके 2 हफ्ते में 2 वीक्स में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, परमानेंटली आपके फिर होंगे भी नहीं। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। साथ ही आप अपना रिज़ल्ट भी मेरे साथ शेयर करिएगा कि आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी है। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी और भी यूज़फुल सी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम फिर मिलेंगे एक अच्छी सी यूजफुल सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।